हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो आज का जो हमारा वीडियो एम्पलीफायर मॉडिफाई, तो 3055 एम्पलीफायर को मॉडिफाई करेंगे 52 से मॉसफेट लगा के, और साउंड इंक्रीज करेंगे कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको 5200 के मॉसफेट सेम इस नंबर का, और ज़रूरत पड़ेगा रेजिस्टेंस जो आपका एम्पलीफायर में यूज होगा, बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस जो है, और जो रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है उस रेजिस्टेंस का ज़रूरत पड़ेगा, और जो कैपेसिटर मैंने ब्लू दिखाया 6800 वेव का कैपेसिटर का ज़रूरत पड़ेगा, या 4700 का चार ठो कैपेसिटर लगेगा, पैरेलल में दो ठो पैरेलल में। तो यहाँ पर 12022 का ट्रांसफार्मर लगता है, तो मैंने यहाँ पर लगाया हूँ 25025 का ट्रांसफार्मर है। लगभग यहाँ पे मुझे 30030 वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर से मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको इंक्रीज करने के लिए 3055 का एम्पलीफायर का जो ट्रांसफार्मर है उसको भी आपको चेंज करना होगा, तभी जाकर आप इसके साउंड क्वालिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसफार्मर को भी लगाया 25025। तो आप भी अगर बनवाना चाहते हैं, साउंड इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इस ट्रांसफार्मर को मॉडिफाई करें और किसी से बेंडिंग करवाएं, बाहर मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। तो इस ट्रांसफार्मर का जो है 25025 वोल्टेज है, बोल के आपको कहीं से भी बेंडिंग करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आती है दूसरे स्टेप में, इस जो ट्रांजिस्टर है, जो 3055 बाहर के ट्रांजिस्टर, तो इस ट्रांजिस्टर के कारण भी आवाज़ की क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है, मतलब आवाज़ उतना अच्छा नहीं आता है। तो इस ट्रांजिस्टर को चेंज करके यहाँ पर लगाऊंगा 5200 का ट्रांजिस्टर। इसका डायग्राम आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और लिंक में भी मिल जाएगा, सेम उसी तरीके से इसका कनेक्शन होगा। तो चलिए इस मॉसफेट को, इस ट्रांजिस्टर को खोल लेते हैं और यहाँ पर लगाएंगे 5200 का जो ट्रांजिस्टर है, आप मॉसफेट बोल लें तो ट्रांजिस्टर ही बोला जाता है, और कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है 5200 का जो ट्रांजिस्टर है उसको मैं लगाऊंगा, और ये जो 3055 का एम्पलीफायर का जो ट्रांजिस्टर है 3055, तो इसका जो कनेक्शन है और इसका जो डायग्राम है, यहाँ पे मिलाना होगा आपको। इसका भी मैं डायग्राम दे दिया हूँ, और ये दोनों को मिला के, और इसका NPN और 5200 का जो स्क्रीन पे दिख रहा है, तो दोनों का NPN और NPN मैच करके जो कनेक्शन जहाँ होगा वहीं पर आपको कनेक्शन करना है। तो चलिए, यहाँ पे 5200 का मॉसफेट मैंने बहुत सारा लिखा है, बट यहाँ पे चार आपका उपयोग होगा, तो मैंने 8 5200 का लिखा है। इसका प्राइस मार्केट में 100 रुपये के अंदर में ही आपको हो जाएगा, और उससे भी कम प्राइस में आप 5200 का मॉसफेट एक ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बार बार यहाँ पे मिला के देख लेंगे 3055 ट्रांजिस्टर का जो NPN कहाँ पे है, और छोटा बड़ा साइज होता है, आपको डायग्राम दिख रहा है, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे पता करना होगा इसमें छोटा किधर है और बड़ा किधर है, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करके देखना होगा, उसके बाद ही आप इसका NPN पता कर पाएंगे। तो NPN पता चल जाएगा तो यहाँ पे 5200 का मॉसफेट में कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट 5200 का पहला पॉइंट में कनेक्ट करते हैं, और जो सेकंड पॉइंट है सेकंड में भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा है खेल, इस एम्पलीफायर का जो ट्रांजिस्टर का कनेक्शन है, NPN बोला जाए तो NPN एक नंबर पिन इसका, और उसका NPN मतलब एक नंबर पिन, बेस कलेक्टर और ईमीटर, बेस कलेक्टर ईमीटर सबका सेम होना चाहिए। इसका बेस एक नंबर है तो उसका बेस दो नंबर है, तो दो नंबर में जुड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन मैंने किया हूँ, तो तीनों कनेक्शन कर लिया हूँ। बिजली आपको दिख नहीं पा रहा होगा, तो इजली यहाँ पर जो कनेक्शन है, मेन मुद्दा जो है आपको समझा दिया हूँ, इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा। तो तीन कनेक्शन मैंने कर लिया हूँ पूरा, और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा है तीन पॉइंट का मैंने जोड़ रहा हूँ। फिर सेकंड मॉसफेट के लिए जो है, सेकंड चैनल के लिए पहला चैनल का एक पॉइंट जोड़ा हूँ, और सेकंड चैनल का जो है सेम कलर कोडिंग का, कलर कोडिंग का जो वायर है कलर कोड लेंगे सेम, और सेम इस मॉसफेट में भी कनेक्शन करेंगे सेकंड चैनल से एक मॉसफेट। तो चलिए, यहाँ पे सेकंड चैनल से एक मॉसफेट को कनेक्ट कर लेते हैं, पीला को पीला में और रेड को रेड में। तो रेड यहाँ पे हमारा जो है बीच में, और ब्लैक यहाँ पे साइड में है, तो NPN बेस कलेक्टर ईमीटर को जो कनेक्ट करने का फंक्शन है जो ट्रांजिस्टर में दिया है, और ट्रांजिस्टर में जहाँ पे जुड़ा हुआ था उसी के अनुसार यहाँ पे 5200 का मॉसफेट में NPN या बेस कलेक्टर ईमीटर में कनेक्ट किया हूँ मैं। तो बेस कलेक्टर ईमीटर आपको समझ में नहीं आया तो उसके लिए भी हम वीडियो बना दूंगा, कहाँ पर बेस और कलेक्टर ईमीटर होता है, तो उसके लिए कमेंट करेंगे तो आपके लिए वीडियो बन के आ जाएगा,
कुछ ही दिनों में। आप यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकते हैं या गूगल में भी सर्च करके इजीली आप देख सकते हैं NPN और बेस्ट कलेक्टर इमीटर क्या होता है। तो जो डायग्राम है 3055 इस ट्रांजिस्टर का और 5200 ट्रांजिस्टर का, तो इसका जो डायग्राम अगर आप कुछ भी अगर दिक्कत आता है तो गूगल में सर्च करें NPN क्या होता है, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो इजीली आप बोलेंगे मुझे एक वीडियो भी चाहिए इसके ऊपर डिफाइन का, तो मैं उस वीडियो को भी बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा से। तो यहाँ पर जो मैंने सेकंड चैनल का दोनों का एक एक कनेक्ट कर लिया हूँ और फिर से एक फर्स्ट चैनल का जो है दूसरा ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। तो दूसरा ट्रांजिस्टर का जो है जो पिन है बेस कलेक्टर इमीटर मैंने कनेक्ट किया इजीली, और कलर कोडिंग दोनों का दोनों मॉस्फेट का अलग अलग रखा हूँ ताकि बाद में कन्फ्यूज ना हो, गलत ना हो कनेक्शन, तो आप कलर कोडिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक मॉस्फेट मेरा कनेक्ट हो गया फर्स्ट चैनल का, आप करेंगे यहाँ पर कनेक्ट सेकंड चैनल का, और सेकंड चैनल में भी सेम कलर कोडिंग का उपयोग करेंगे ताकि कनेक्शन बाद में दिक्कत ना हो, अगर तार टूट जाए चाहे कोई भी कनेक्शन गड़बड़ ना हो, और गड़बड़ होने से फिर अब दिक्कत की सामना करना पड़ता है और हमारा जो एम्पलीफायर सही तरीके से बन नहीं पाता है। तो यहाँ पर कनेक्शन को सही से करेंगे सेम मॉस्फेट में जो कनेक्शन है सेम सेकंड पहला चैनल का जैसा है वैसा सेकंड चैनल में भी सेम कनेक्शन करेंगे। तो पहला चैनल अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो सेकंड चैनल करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। तो इजीली यहाँ पे इतना सारा कनेक्शन है और ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा माइंड और थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना होगा। अब चलिए यहाँ पर आता है हमारा जो यहाँ पर लगा हुआ कैपेसिटर और यहाँ पर लगा हुआ डायोड। तो चलिए पहले यहाँ का जो पुराना कैपेसिटर छोटा छोटा उस कैपेसिटर को इजीली इसको हटा देना है और यहाँ पर लगाना 6800 वेव का कैपेसिटर 50 वोल्ट 25 को हटा के 50 लगाना है। तो दो यहाँ कैपेसिटर इजीली लगा सकते हैं, और यहाँ पर 4700 का भी लगाना चाहे तो उसको भी लगाएंगे तो 4 लगाना होगा, दो टो एक तरफ दो टो एक तरफ पैरेलल में, और यहाँ पर 25025 का जो वोल्टेज है वो आपको देखने को मिलेगा इस ट्रांसफार्मर में। तो आप अलग से बेंडिंग करवा लें कहीं से, और ट्रांसफार्मर का जो बेंडिंग है 25025 और यहाँ पर 6-7 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगेगा। तो आप यहाँ पे 6-7 एम्पीयर नहीं, लगभग 5-6 एम्पीयर तक ही हमारा ये ट्रांसफार्मर है। तो 5 एम्पीयर भी अगर आप इस एम्पलीफायर को देते हैं तो बहुत ही अच्छा बजेगा। तो 5 एम्पीयर से 6 एम्पीयर लगभग इस एम्पलीफायर के लिए 5 एम्पीयर ही रहता है। तो यहाँ पर इजीली आप यहाँ पर 6 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगाएं तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा साउंड आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंडक्शन वाला जो आता है चूल्हा उसका मैं डायोड उपयोग कर रहा हूँ। तो इजीली यहाँ पर नॉर्मली आप डायोड उपयोग करना चाहते हैं तो 6 एम्पीयर का डायोड आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा छोटा जो डायोड है उसको हटा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे बड़ी वाला डायोड, मैं जो इंडक्शन का लगा रहा हूँ उसको भी आप लगा सकते हैं। तो इजीली यहाँ पे जो है नॉर्मल डायोड को हटा के यहाँ पर 6 एम्पीयर का डायोड आपको मिल जाएगा, और सेम उसी कनेक्शन में ब्रिज रेक्टिफायर को बना के वहाँ पर लगा देना, आने तो अब इंडक्शन वाला डायोड लगाएंगे तो इस डायोड का मार्केट में प्राइस 50-60 रुपये पड़ेगा और बहुत ही हैवी क्वालिटी आपको बन जाएगा। तो इसका जो एसी करंट जो ट्रांसफार्मर से वायर आएगा बीच में जुड़ेगी, जो कि माइनस प्लस नहीं है, एसी करंट का निशान दिया रहता है, और आउटपुट में माइनस प्लस जो निकलेगा वो आउटपुट निकलेगा जो कि ब्रिज रेक्टिफायर के बाद वो डीसी बनता है प्योर। तो डीसी बनने के बाद ही हम इस एम्पलीफायर में दे पाएंगे और करेक्ट जो हमारा जो एम्पलीफायर चलने के लिए वोल्टेज चाहिए वो करेक्ट वोल्टेज मिलेगा। तो दो तार को यहाँ पर जोड़ दिए और बीच वाला जो पॉइंट बच गया ट्रांसफार्मर का वो ग्राउंड पॉइंट में जोड़ेंगे, इसका जो है एक ग्राउंड पॉइंट में जहाँ पर पहले से ट्रांसफार्मर में जुड़ा हुआ था इजीली उसी कनेक्शन में जोड़ना है। और चलिए ग्राउंड पॉइंट में इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट में जोड़ देंगे। इसके बाद भी बहुत सारा हमने मॉडिफाई किया हूँ और कुछ मॉडिफाई बाकी रह गया है इस एम्पलीफायर में, तो उसका वीडियो अगला नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा और करेक्ट हुआ कि सक्सेसफुल रहा तो उस वीडियो को भी मैं बना के दिखाऊँगा। तो यहाँ पर चलिए आप यहाँ पर माइनस प्लस दो पॉइंट को सोल्डिंग कर लेते हैं, और जहाँ पे इस डायोड के पास में था पहले वाला माइनस प्लस, अर्थात आप देखें तो कैपेसिटर का जो है एक का माइनस और एक का प्लस, जो कि ग्राउंड में नहीं
प्लस दूसरे जगह में दूसरे साइड में हो, तो ग्राउंड में तो एक का माइनस और एक का प्लस तो शॉर्ट है, उसको छोड़ देना है। और सेकंड पहला कैपेसिटर का जो माइनस है उसमें माइनस को जोड़ेंगे, और सेकंड में जो प्लस पॉइंट है साइड में बच जा रहा है उसमें जोड़ेंगे, अर्थात डायोड का दो पॉइंट में जुड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे कनेक्शन को जोड़ लेते हैं। जो डायोड का दो पॉइंट आउटपुट था पहले से ही इस एम्पलीफायर में डायोड जो लगी हुई थी उसी में आप नॉर्मल डायोड जो है 6 एम्पीयर भी लगा सकते हैं। अगर वो नहीं लगाते तो इस कैपेसिटर का माइनस पॉइंट और सेकंड कैपेसिटर का प्लस पॉइंट में कनेक्शन आपका जुड़ेगा। देख देख के आपको कनेक्शन करना, जो सिंपल पहले जिससे एक कनेक्शन था ट्रांसफार्मर का उस तरीके से ही होगा, बट यहाँ पे जो है हमने अलग डायोड लगा के किया हूँ, तो इसका जो कनेक्शन के अनुसार यहाँ पर माइनस प्लस पूरा पूरी बन गया, तो इसका जो डायोड है उसका आउटपुट में लगेगा जो कैपेसिटर का दो पॉइंट में। अब चलिए यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए हमें यहाँ पर जो नॉर्मल रेजिस्टेंस जो हीट होकर जल जाता है हमेशा प्रॉब्लम आया हुआ है, यहाँ पर 3-4 रेजिस्टेंस लगभग यहाँ का अगल बगल वाला जो रेजिस्टेंस है जल जाता है, तो जितना भी हो सके अगल बगल का जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज कर देंगे। तो चलिए हम इजीली हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया हूँ, और 1 वाट या 1/2 वाट नॉर्मली जो बड़ी साइज में आती है रेजिस्टेंस उसको अब लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं रेजिस्टेंस को, और उसके बाद ही यहाँ पे ट्राई करके आपको दिखाऊंगा 8 इंच का बूफर को, और एक साथ 8 इंच का दो बूफर इसमें बजेगा, लगभग यहाँ पे 8 इंच का 4 स्पीकर बजा पाएंगे आप। 12 का सिंगल दो इजली बज जाएगा, और 10 का हैवी स्पीकर 2 ठो, तो इजली यहाँ पे 10 का 12 वाला कोयल वाला स्पीकर बजाएंगे, तो बहुत ही मस्त साउंड सुनने में लगा। और इससे भी हाई फाई आपको साउंड चाहिए तो उसके लिए और ही पावरफुल एम्पलीफायर आपको बनाना होगा, ट्रांसफार्मर की क्वालिटी को भी बढ़ाना होगा, उसके बाद ही आपको साउंड हाई फाई मिलेगा। तो चलिए इससे 52C के मोसफेट को हीटसिंक प्लेट में लगाएंगे, तो हीटसिंक प्लेट में लगाने के पहले आपको जो 30-55 ट्रांजिस्टर में जो एक माइका जो निकला उसको यहाँ पर लगा के, और उसके बाद ही अब इस हीटसिंक प्लेट में लगाएंगे। उसके बाद ये जो वाइट वाला पेस्ट में जो लगा रहा हूँ ये इस मोसफेट को ठंडा रखेगा, इसको भी लगाना आपको ज़रूरी है। तो चलिए इसको लगा लेते हैं और सारे मोसफेट को लगा लेते हैं, और मोसफेट का जो है मोसफेट का पॉइंट एक भी पॉइंट इस स्टील प्लेट अलमिनियम प्लेट जो है इसके बीच में शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा ताकि ग्राउंड पॉइंट में शॉर्ट ना हो, जैसे कि मल्टीमीटर में अभी चेक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्टेज की नज़र नहीं आना चाहिए कंटिन्यूटी में चेक करेंगे तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर क्या लगा। तो 30-55 एम्पलीफायर जो 30-55 ट्रांजिस्टर खोले उसमें एक पतला सा सीट आता है, उस सीट को इसमें लगा देना है। तो चलिए सारा मॉस्फेट को मैंने लगा दिया और यहाँ पर डायोड को भी पीछे तरफ एडजस्ट कर दिया हूँ। अब चलिए इसके ट्रायल करके देखते हैं कैसा साउंड आता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें एडजस्ट फैन भी लगाया हूँ, एडजस्ट फैन भी अब लगा दे ताकि जो आपका एम्पलीफायर हो गर्म ना हो, और बहुत ही सारा चीज़ इसमें हीटसिंक प्लेट भी अलग लगा दिया हूँ। और ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेगा। तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे ही वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।